अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, जेस्ट न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासती हुकूमत की जानिब से प्रगति भवन से गिलाफ़े मुबारक रवाना की। इस मौके पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने फातिहा ख्वानी की और सीएम केसीआर ने अजमेर की दरगाह पर चादर पेश करने के लिए वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को हवाले की। इस मौके पर वजीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली, अकलियती उमूर के वजीर के ईश्वर, वजीर खजाना और महकमे सेहत के वजीर हरीश राव, सखाफती सियाहत और खेल के वजीर श्रीनिवास गौड़, एमएलसी राजेश्वर रेड्डी, मधुसूदनाचारी, साबिक एमएलसी फारूक हुसैन, एमएलएस मोहम्मद शकील जी किशोर कुमार, सुधीर रेड्डी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन, फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक, साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, आरटीआई कमिश्नर मोहम्मद आमिर, टी न्यूज़ उर्दू के एडिटर खय्यूम अनवर और दिगर भी इस मौके पर मौजूद थे। पेश है हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर निज़ामुद्दीन खान की जेस्ट न्यूज़ से ये खसूसी रिपोर्ट। مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين। मज़ीद ताज़ा व अहम तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।